हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेकेएम हियर। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा पोको F3 GT स्मार्टफोन के बारे में। पोको F3 GT स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च कंफर्म हो गया है ऑफिशियली। पोको इंडिया के कंट्री डायरेक्टर अनुज शर्मा ने ऑफिशियली एक ट्वीट करके इस बात को टीज किया है, जैसा कि वो ट्वीट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और वो टीज़र वीडियो भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर हिंट्स दिया गया है कमिंग Q3 मतलब Q3 के अंदर हमें पोको F3 GT स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हमें शायद लॉन्च होते हुए देखने को मिले, क्योंकि Realme X7 Max स्मार्टफोन जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है May 31 को, और उसके बाद ही शायद जल्द हमें पोको F3 GT स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये तो था लॉन्च की बात, अब चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। बात करें स्पेसिफिकेशन की, जो हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है वो आपको मैं पोको F3 GT स्मार्टफोन का बता देता हूँ, क्योंकि ये जो पोको F3 GT स्मार्टफोन है चाइना के अंदर Redmi K40 गेमिंग एडिशन के नाम से लॉन्च हुआ था, तो स्पेसिफिकेशन हमें पता है। तो जो भी मेन हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि टीज़र वीडियो के अंदर ये बात तो कंफर्म कर दिया गया है कि ये जो पोको F3 GT स्मार्टफोन है इसके अंदर Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जो दूसरे स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले से। पोको F3 GT स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंचेस का OLED डिस्प्ले। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और इसके साथ ही 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाएगा, और ये जो डिस्प्ले है HDR10+ को भी सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही बात करें रैम और स्टोरेज की, यहाँ पर आपको अप टू 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5065mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। इसके साथ 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन इसमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर बेस्ड होगा MIUI 12। और यहाँ पर बात करें अब कैमरे की, तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर के साथ कैमरा होगा। इसके साथ ही एक 8MP का वाइड एंगल लेंस के साथ कैमरा होगा, और जो तीसरा कैमरा है वो होगा 2MP का माइक्रो लेंस के साथ कैमरा। अब बात करें सेल्फी कैमरा की, यहाँ पर आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही ये जो स्मार्टफोन है Mi 11X और Mi 11X Pro जैसा ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। अब बात करें कुछ कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर ये 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको डुअल सिम 5G ऑप्शन देखने को मिलता है, 4G LTE, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.1, GPS के लिए सभी कुछ चीज़ें मिल जाता है, और USB टाइप सी भी देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर। और इसके साथ ही यहाँ पर कैमरे के पास एक लाइट आपको देखने को मिलता है, जो कि इसका एक यूनिक फीचर है, जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह में ये लाइट जलता रहता है। तो ये चीज़ थोड़ा यूनिक बात लगा इस स्मार्टफोन के अंदर, जो कि मैं आपको बता दिया। ये जो स्मार्टफोन है देखने में सिमिलर सा है थोड़ा बहुत Mi 11X, Mi 11X Pro जैसा ही, जो बेजल्स वगैरह है फ्रंट में वो भी Mi 11X, Mi 11X Pro जैसा ही कम देखने को मिलता है, और बहुत ही छोटा सा पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। बैक साइड में कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो यही है मेन हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन का। तो अब चलिए बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। यहाँ पर हमें रैम और स्टोरेज के मामले में तीन तरह के ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें जो बेस वेरिएंट का प्राइस होगा वो करीब 25,000 से स्टार्ट होगा और करीब लगभग जा सकता है 32,000 तक, तो इसी के अंदर आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं ऑफिशियली जब अनाउंस हो जाएगा प्राइस के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में, मैं आपको एक डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में वीडियो दे दूंगा और प्राइस के बारे में भी बता दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।